हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माइस प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट केजी से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक का पूरा एजुकेशन पूरा सिलेबस सब खत्म करवाया जाएगा टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जाकर के उसको चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं क्लास इलेवन फिजिक्स टिक्सन ठीक है तो क्या होता है, क्या है? इसका पूरा बेसिक होता है? सब कुछ देखने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेके आते हैं ठीक है तो एक्सेरेशन जो टर्म है ना इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा जो है मैं हमेशा बताता हूं और तुम भी सुनना जैसे मान लो अगर तुम एक, एक रहे हो ठीक है या अपने पास स्कूटी अपन स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं वॉट है

रोड है क्या कार है क्या मौसम है हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक टर्म तो जोड़ सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर देर इज समथिंग कॉल्ड इज एक्सेरेटर जो कि डील कहता है विथ चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी एक ऐसा टर्म होगा विच डील्स विथ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अ टर्म विच डील्स विथ विच डील्स विथ Which deals with change in velocity, है? क्या बोला विच in velocity. मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा ठीक है तो अगर एक्सेरेटर वेलोसिटी को चेंज करता है इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नाम का कोई टर्म है तो वो भी वेलोसिटी को चेंज करता होगा इट्स एज सिंपल एज दैट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है यह वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर है ठीक है अब जरा यहां पर जो चीजें हैं ना जरा उसको देखते हुए चलना कि वट डू वी एग्जैक्टली मीन बाई एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई हैं जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन कहानी में यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं चलिए ठीक है बहुत शानदार तो ये बेसिक डेफिनेशन थी ये तो आप लोगों ने देख ही ली होगी है ना अब जरा इस पर परसेप्शन सेट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखा हुआ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंसेस व्हिच मींस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग तो पहली बात तो यहां पे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहली बात तो यहां पे लिखा हुआ है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो लगातार चेंज होते रहती है अगर बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है मतलब एक बात तो श्योर है कि बॉडी में आ चुका है एक्सेलरेशन बॉडी में क्या आ चुका है बेटा बॉडी में आ चुका है एक्सेलरेशन तो सच अ मोशन इज सेट टू बी एन एक्सेलरेटेड मोशन आया समझ के नहीं आया आया समझ के नहीं आया तो फिर दिमाग में एक चीज एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अगर समथिंग इज इज अगर velocity is changing, तो change in velocity अगर वेलोसिटी वेलोसिटी चेंजिंग तो चेंज इन आ रहा है इसका मतलब पक्की बात है कि सिस्टम में body में बॉडी जो है है वो acceleration आ रहा इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन अ वहीकल मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर ऑन अ रोड डिफरेंट वेलॉसिटी अगर कोई वेहीकल है जो रोड पे एक पोजिशन से अपनी पोजिशन को चेंज करके किसी दूसरी पोजिशन पे जा रही है तो तो वहां पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है इज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंसेस देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमने एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले फोकस किया था एक्सेलरेटर के ऊपर तो एक्सेलरेटर को प्रेस करने से वेलोसिटी में आए चेंजेस अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर बॉडी में आ चुका है एक्सेलरेशन इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है अगर मोशन में एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है अगर मोशन में बार बार वेलासिटी चेंज होती हुई नजर आ रही है तो फिर ऑब्वियसली एक्सेलेशन हो चुका है ठीक है अब वेलासिटी के चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं ठीक है वेलासिटी के चेंजेस जो है ना वो दो तरह से हो सकते हैं तो पहला ये होता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तब भी एक तरह का चेंज इन वेलोसिटी है ठीक है और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तब भी ये एक तरह का चेंज इन वेलोसिटी है ठीक है? है, है, अगर velocity increase हुई है, तब भी एक तरह का change in velocity है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है तब भी एक तरह का चेंज इन वेलोसिटी है अब भाई अपन तो ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सलेशन तो हो रहा है तो इंक्रीज होती हुई वेलॉसिटी में भी आया एक्सलेशन और डिक्रीज हो गई वेलोसिटी तब भी आया एक्सेरेशन तो इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे तो आपको ना एक फंडा में अभी से आपके दिमाग में ना डालना शुरू कर देता हूं वो ये चीज है बेटा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है ना या अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेरेशन इज जस्ट इज जस्ट पॉजिटिव ठीक है और अगर वेलॉसिटी डिक्रीज हो रही है देखो बेटा वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो गई मतलब चेंज तो हो गई वेलोसिटी ठीक है अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है ना तो उसको अपन डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं कि उसका जो एक्सेरेशन है वो निगेटिव आता है ठीक है और अगर एक्सलेशन निगेटिव आ गया ना तो इस चीज़ को रिटार्डेशन भी कहते हैं अगर एक्सिलेशन निगेटिव आ गया तो इस चीज़ को रिटार्डेशन भी कहते हैं कॉल्ड 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 एज 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 रिटार्डेशन रिटार्डेशन ठीक है या फिर एक और नाम आप इसको दे सकते हैं ठीक है इट्स सिंपल दैट मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुपर क्लियर तरह से बैठ रहा होगा ठीक है इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले बेटा जल्दी करना थ्री टू वन रेडी गो एंड सुपर क्लियर सुपर डन ठीक है तो अभी तक की कहानी जो आपके दिमाग में बैठ गई होगी वो ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी बस अब जो बोल रहा हूं ना सिंगल लाइन स्टेटमेंट इस पे सुप्रीम फोकस आपका अगर हो गया तो पे आपकी पकड़ बन गई अगर पे पकड़ बन गई है तो इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे फॉर्मले जो हैं वो एक्सलरेटेड मोशन के लिए होते हैं तो फिर आपकी उन सारे फॉर्मुले के ऊपर भी पकड़ बन जाएगी क्योंकि परसेप्शन क्लियर होगा ना बेटा इसलिए ठीक है अब जरा ध्यान देंगे वेलोसिटी अगर चेंज हो गई मतलब एक्सेलरेशन हो चुका है वेलोसिटी का बढ़ना भी एक तरह का चेंज है और वेलोसिटी का घटना भी एक तरह का चेंज है दोनों ही केसेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है ठीक है वहीं बहरहाल अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा और वेलोसिटी घट जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा ठीक है तो अभी क्या है कि ये सब चीजें मैं आपके दिमाग में धीरे धीरे डाल रहा हूं अब एक और चीज़ सुनते हुए चलना यार वेलोसिटी अगर बढ़ रही है

जो तो रोड है ना मेरे को हल्की सी ऐसे उठी हुई दिख रही है इस तरफ से और ये कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एस बैंकिंग ऑफ रोड्स ये भी अपने को पढ़ना है सब पढ़ना है अपने को ठीक है तो कुछ समय के बाद गाड़ी की वेलोसिटी जो है ना वो बहुत ही ताबड़तोड़ वेलोसिटी दिखी मुझे पचास मीटर पर सेकंड छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है भाई पचास मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है एक सेकेंड में क्या गति से भगरी होगी वो ठीक है उसके पीछे कौन पड़ा पता नहीं तो इतनी वेलोसिटी और इतनी वेलोसिटी जीरो से पचास मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में क्या तुम्हें लगता है कि कुछ समय नहीं गुजरा होगा भाई टाइम तो लग गया होगा ना देर इज एब्सोल्यूटली सम अमाउंट ऑफ टाइम विच इज इलेप्स ठीक है तो यहां पे अगर आप एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी से काम नहीं चलने वाला आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसमें कुछ समय भी गुजर रहा है ठीक है यह वाला फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है तो बेटा यह सब कुछ सिंपल सिंपल बातें थी अब मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपको कुछ एकाद चीजों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जरा मैं आपको ज्ञान दे दूं एक यू नाम का शब्द हम यूज करेंगे एक वी नाम का शब्द हम यूज़ करेंगे ए हम यूज़ करेंगे एस हम यूज़ करेंगे और टी हम यूज़ करेंगे ठीक है ज़रा गौर फरमाते हुए चलेगा ये जो यू नाम का वर्ड हमने यूज़ करा है ना दिस यू इज़ फॉर द इनिशियल वेलोसिटी ये जो U नाम का हमने शब्द यूज़ करा है दिस U इज़ फॉर द इनिशियल वेलोसिटी ये जो V नाम का हमने शब्द यूज़ करा है दिस V इज़ फॉर द फाइनल वेलोसिटी ये जो A हमने यूज़ करा है दिस A इज़ फॉर द एक्सेलरेशन जो एस हमने यूज करा है दिस इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं खासतौर से डिस्प्लेसमेंट वगैरह इस पर तो एक डेडिकेटेड लेक्चर ही था और मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि प्लेलिस्ट को ना एकदम चेक करते रहा करो अपडेटेड रहती है प्लेलिस्ट स्वयं ठीक है अब तुम अपना देख लो कि तुम खुद अपडेटेड हो प्लेलिस्ट के साथ की नहीं हो ठीक है प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस ऐड हो चुके हैं बेटा देखते हुए चलना मजा आएगा उसके बाद टी यहाँ पे क्या होता है दिस इज द टाइम ठीक है इन पांच चीजों के ऊपर बनने वाली हैं तीन इक्वेशंस क्या बोल दिया सर इन पांच चीजों के ऊपर बनने वाली हैं तीन इक्वेशंस और उन तीन इक्वेशंस पे होने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक है तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीन शॉट लें स्क्रीन शॉट छोड़ो भाई लिखते हुए चलो सबसे प्यारी चीज रहेगी ठीक है लेकिन अगर समय कम है तो ऑब्वियसली यू विल है स्क्रीन शॉट जल्दी करना बेटा थ्री टू वन रेडी गो एंड डन सुप्रीम क्लियर हो चुका है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है? बहुत बढ़िया एक तरफा शानदार दिस क्लियर फॉर यू ठीक है अच्छा तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब आ चुका है मौका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने का ठीक है इस टॉपिक को तो हम समझ लेंगे लेकिन मैं आपका ध्यान ना पहले जरा इस इकलौते शब्द के ऊपर लेके जाना चाहता हूं कि व्हाट डज यूनिफॉर्म एक्चुअली मीन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कॉन्स्टेंट ठीक है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा कांस्टेंट अब ये शब्द हमने सबसे पहले कब सुना था स्कूल में सुना था बेटा स्कूल में ठीक है बचपन में सुन लिया था कि यूनिफॉर्म पहन के जाओ यूनिफॉर्म पहन के जाओ तो यूनिफॉर्म जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है कांस्टेंट ठीक है सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में है तो एवरीबडी इज लुकिंग कॉन्स्टेंट एवरीबडी इज लुकिंग लाइक सेम ओनली किसी को देख के समझ में नहीं आ रहा कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा है अच्छी है या ज्यादा बुरी है ठीक है तो स्कूल में यूनिफॉर्म को रखने के पीछे का जो इकलौता रीजन सबसे वैलिड है ना वो यही है ताकि जब स्कूल में सारे बच्चे आए ना तो फिर कोई उस बच्चे को देख करके जज ना कर सके यार कि वो बच्चा जो है वो फाइनेंशियली बहुत बड़े लेवल पे या बहुत छोटे लेवल पे सबके बीच में क्या है ना कि मैंटली भी जो है ना इक्वालिटी आ जाए और छोटे बच्चे जब इस इक्वालिटी को समझ जाएंगे ना तो फिर आगे चल करके जो ये परेशानियां आती हैं ना ये ऊँच नीच वाली परेशानियाँ वो आना खत्म हो जाती हैं ऐसा माना जाता है ठीक है तो यूनिफॉर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है कांस्टेंट मैंने बस पॉइंट को जोड़ दिया वहां से यूनिफार्म से आप समझ गए मेरे ख्याल से ठीक है चलो तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और अगर मान लो लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इफ यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉट कांस्टेंट ठीक है एंड इफ समथिंग इज नॉट कांस्टेंट देन इट इज एब्सोल्युटली अ वेरिएबल क्या बोला मैंने अगर कोई चीज अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो चीज क्या है फिर वो वेरिएबल है ठीक है कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब क्या है वेरिएबल है तो इन एन एक्सेलरेटेड मोशन इफ द चेंज इन वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम देखिए बेटा यूनिट ऑफ टाइम का यहां से आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक्सेलरेशन डील करता है विथ चेंज इन वेलोसिटी तो यार किसी गाड़ी की वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकंड से पचास मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई लेकिन यार इस इस वेलोसिटी को चेंज करने में क्या समय नहीं गुजरा होगा अरे कैसी बात कर रहे हो भाई बिल्कुल समय गुजरा होगा तो अगर यू आर डीलिंग विद एक्सेलेशन तो आपको इस बात को भी खास तौर से ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा कि वेलासिटी को चेंज करने में समय जो है वो गुजरता है ठीक है तो अगर 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 किसी एक्सेलरेटेड मोशन में इफ द चेंज इन वेलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज इज कॉन्स्टेंट ठीक है मतलब वेलासिटी चेंज हो रही है ना इक्वल अमाउंट से देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और मैं इसे एग्जाम्पल दूंगा अभी ठीक है एंड सच अ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है सच अ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है चलो अब एक एग्जाम्पल तुम समझते हो चलना है इसका भाई अपन ने इसके पहले जस्ट मतलब इस वाले वीडियो के पहले वाले वीडियो में ना मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा न्यूमेरिकल सॉल्व किए बेटा क्या सॉल्व कर रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है ठीक है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बहुत ही प्यारी सी कहानी जरा समझते हुए चलेंगे मजा आ जाएगा मजा मतलब एक तरफा मजा आ जाएगा सुनते हुए चलो बस तुम ठीक है जैसे मान लो शुरुआत करी मैंने t इक्वल पे दो आ, फिर दो सेकंड पे बॉडी यहाँ पे दिख रही है मुझे ठीक है फिर चार सेकंड पे बॉडी मुझे यहाँ पे दिख रही है फिर छे सेकेंड पे बॉडी मुझे यहाँ पे दिख रही है फिर आठ सेकेंड पे बॉडी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है चलेगा आप लोग को इतना अब जैसे मान ले जब गाड़ी की शुरुआत हुई ना तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी जीरो मीटर पर सेकेंड तुमने बोला हाँ सही बात है घर से कुछ दूर चलते ही घर से निकलते ही तो घर से निकलते ही उस समय तो क्या वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां तक पहुँचने पे ना वेलोसिटी कितनी हो गई है मान ली यहाँ तक पहुँचने पर जो वेलासिटी है ना वो हो गई है दो मीटर पर सेकेंड ठीक है हमने बोला बहुत बढ़िया उसके बाद गाड़ी की जो वेलासिटी देखी गई ना तो गाड़ी की वेलासिटी हो गई है मीटर पर सेकेंड ठीक है मतलब जब चौथा सेकेंड आया ठीक है तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है छह मीटर पर सेकेंड ठीक है और उसके बाद जब अपने छह सेकेंड पे देखा तो गाड़ी की वेलोसिटी ना फिर वापस से कितनी हो गई है छह मीटर पर सेकेंड हो गई है <laughs> कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां जब चेक करा तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई है एट मीटर पर सेकेंड हो गई है ठीक है अब एक बात पर जरा गौर करते हुए चलना ना अगर मैं इस मोशन को कहता हूं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक बात तो आप समझ लीजिए यहां पे दो टर्म्स आ रहे हैं ठीक है एक आ रहा है यूनिफॉर्म और एक आ रहा है एक्सेलरेशन आप इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है ना दिस बेसिकली डील्स विद चेंज इन वेलोसिटी क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब एब्सोल्युटली यहां पे चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो इन्वॉल्व है दर इज एब्सोल्युटली अ चेंज इन वेलोसिटी ठीक है अगर यूनिफॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंट ठीक है और इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा फिर कॉन्स्टेंट चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब ये कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है

कुछ डिनोशंस मारा जाए तो ज़रा कलर पे गौर करें तो इसको ए बोल देता हूँ इसको बी बोल देता हूँ इसको सी बोल देता हूँ इसको डी बोल देता हूँ इसको मैं ई e बोल देता हूँ ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो पहले अपन फोकस करते हैं ए टू बी पहले अपन फोकस करते हैं कहाँ पर ए टू बी जब अपन ए से लेकर के बी तक फोकस कर रहे हैं ठीक है तो भाई जरा ध्यान देते हुए वो चलना बेसिकली वॉट इज एक्सेलेशन बेसिकली वॉट इज एक्सेलरेशन तो अभी मैं आपको ना पहले इसका फॉर्मूला जो है ना वो अभी का कभी दिखायाता हूं हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्लास नाइन्थ में भी हम इसके बारे में बेहतरीन तरह से पढ़ाई कर चुके हैं तो अभी मैं आपको ना जरा इसके इक्वेशन वाइज लेके चलता हूँ एक्सेरेशन को हमने क्या बोल के रखा है कि एक्सेलेशन बेसिकली डील्स विद चेंज इन वेलोसिटी हमने एक्सलरेशन के बारे में क्या चीज फैला के रखी है कि एक्सेलेशन बेसिकली डील्स

चेंज इन वेलोसिटी को लाने में इज एब्सोल्युटली अ चेंज इन टाइम ठीक है अब यहां से चीजें ना आप लोग के लिए सुपर क्लियर होंगी ठीक है जरा ध्यान दें इज इज इक्वल्स टू नाउ व्हाट चेंज चेंज इन वेलोसिटी तो यार अगर मुझे किसी भी चीज में change निकालना है उसका एक ही बहुत ही शानदार और सुंदर तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू ठीक है तो अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी अपॉन नीचे क्या आने वाला है चेंज इन टाइम ठीक है तो फाइनल टाइम टी हो चुका होगा इनिशियल टाइम रहा होगा जी के बराबर तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर क्या हो जाएगा टी एक्सेन क्या हो जाएगा v माइनस यू ओवर टी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक्सेलेशन का फॉर्मुला आ चुका है v माइनस यू ओवर टी ठीक है अब जरा गौर करेंगे वेलॉसिटी माइनस वेलॉसिटी जीरो मत बोलना प्लीज वेलासिटी माइनस वेलॉसिटी इज गोइंग टू गिव यूसिटी अगर आप लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी दो रुपए की तकलीफ नहीं आ रही होगी ठीक है अगर नहीं देखा है तो दैट अंबल रिक्वेस्ट की प्ले लिस्ट में जाकर के ना एक बार चेक कर लेना यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर वन के अंदर डायमेंशनल फॉमूला को बहुत ही शानदार तरह से प्रेजेंट किया गया था आप लोगों के लिए बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए थे और बहुत सारे जनरल परसेप्शन की चीजें वहां पर डिस्कस करी गई हैं तो अगर नहीं

अगर आपको निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा गौर करते हुए चलो इसके अंदर मास का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूला कर बात करें तो इसके अंदर मास का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है एम की पावर हो जाएगा जीरो उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है मतलब लेंथ आ जाएगा ऊपर और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टी की पावर माइनस टू इट्स एज सिंपल एज दैट मेरे ख्याल में ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा ठीक है तो जल्दी इसका स्क्रीन लेंगे फिर मैं आपको ना बेसिकली हाउ इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसकी कहानी सुनाता हूं ठीक है ये वाला फंडा क्लियर हो गया जल्दी बताओ बेटा थ्री टू वन रेडी गो एंड डन चलो 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 ओके 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 बेटा ए से लेकर के बी तक फोकस करना सबको पता है अब तो खैर सबको पता है जिन्होंने क्लास नाइन्थ में पढ़ाई करी थी उनको तो वैसे ही मालूम था जिन्होंने नहीं करा था उनको भी अब चल गया पता है कि द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन

मतलब बोले तो दो सेकेंड सॉल्व करने पर एक्सेलेशन कितना आ जाएगा एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये था ए से बी तक की कहानी अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा बी टू सी ए से बी तक की तो कहानी हो गई अब जरा आगे बढ़ते हैं बी टू सी आएंगे ठीक है चलो अब जरा गौर करें सर तो एक्सलरेशन क्या होता है अगेन वी माइनस यू बाई बी वाला इनिशियल सी वाला फाइनल तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन दो सेकेंड से चार सेकेंड के बीच में समय कितना गुजरा ये गुजरा सिर्फ और सिर्फ दो सेकेंड तो दो अपॉन दो निपटा दो तो आ गया एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई जनता अभी आधी खुश कि सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें समझ में आ गया बिकॉज यहां से यहां यहां तक और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब इसको देख करके ये कतई मत सोच लेना कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है नहीं 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 गाड़ी की स्पीड कांस्टेंटली बढ़ रही है ये समझो ठीक है आया समझ अगर एक्सेलरेशन यहां था पहले के दो सेकंड में द एक्सेलरेशन इज वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बाद के दो सेकंड में भी एक्सेलरेशन इज मीटर पर स्क्वायर इसको देख करके समझना कि गाड़ी की जो गति है ना वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ठीक है सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है मतलब गाड़ी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है गाड़ी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है चलो बेटा आप जरा सी से डी पे आते हैं आपका पूरा फंडा सुपर क्लियर करके ही जाएंगे बेटा सी से लेकर के डी तक आते हैं ठीक है जब आपसे बात करेंगे एक्सलेरेशन के बारे में तो क्या होता है सी से डी चले गए तो डी वाला फाइनल सी वाला इनिशियल ठीक है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चार से लेकर के छह सेकेंड मतलब दो सेकेंड बीत गए तो अगेन दो अपॉन दो मतलब अगेन एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके बाद जब डी से ई e जाओगे ना तो चेंज इन वेलॉसिटी टू टाइम इज ऑल्सो टू रेशियो निकालोगे तो वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियरली दिख रहा है कि एक्सलेरेशन इज कॉन्स्टेंट देअ देफो देफो देफ दिस टाइप ऑफ मोशन देफोर दिस टाइप ऑफ मोशन इस प्रकार के मोशन को देफोर इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है देफो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली देफो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एज दैट जल्दी आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे उसके बाद फिर आपको कहानी में और आगे लेकर के चलते हैं डीप स्टोरी चलेंगे डीप स्टोरी चलो हो गया क्लियर थ्री टू वन रेडी गो डन एक तरफा भाई एक तरफा एक तरफा शानदार जानदार चलो ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका है ऑन द अदर हैंड इफ चेंज इन वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इस अच्छा ईच यूनिट ऑफ टाइम भाई मैंने यहां पे यूनिट ऑफ टाइम टू टू के इंटरवल्स पे ले लिया दो सेकेंड फिर दो सेकेंड फिर दो सेकेंड तुम्हारा मन करे तुम एक सेकेंड पे मेजर कर लो भाई अगला एग्जाम्पल एक सेकेंड पे ही दे दूंगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसी आपकी इच्छा चलो

कुछ डाउट है तो बिल्कुल कहो ठीक है चलो अब जैसे अब अपनी कहानी क्या स्टार्ट हो रही है बेटा मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई ठीक है तो t इक्वल टू जीरो पर कहानी स्टार्ट हुई और हम इसको चेक करने वाले हैं मान लेते हैं आफ्टर एवरी वन वन सेकेंड ठीक है तो फिर इसको अपन टी जीगोल टू वन सेकेंड पर चेक कर लेंगे फिर इसको अपन टी इजीग टू टू सेकेंड पर चेक कर लेंगे फिर इसको अपन टी जीगोल टू थ्री सेकेंड पर चेक कर लेंगे एंड सो वन सो वन सो वन सो वन तुम्हारा जितना मन करे तुम चलते हुए चलना एक दो तीन एग्जाम्पल मैं तीन तो दे ही चुका ना ठीक है इसको भाई ऐसे करना पड़ेगा बस दो मिनट कुछ ना कहो चलो सही है पूरा रहता अब जरा गौर करते हो चलना क्या हो रहा है तो यहाँ पे ना जब गाड़ी को देखा गया पहली पहली बार तो गाड़ी के अरे भाई साहब इतनी बड़ी रंगोली नहीं खेलनी भाई इतनी बड़ी रंगोली नहीं खेलनी भाई जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है उसके बाद देखा तो इसकी वेलोसिटी हो गई थी टू मीटर पर सेकेंड हमने बोला बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है गाड़ी चल रही है हमने बोला बहुत शानदार उसके बाद तो गाड़ी भागने लगी यार दूसरे सेकंड पे गाड़ी की वेलोसिटी हो गई आठ मीटर पर सेकंड इसका मतलब एक सेकंड में क्या दौड़ लगाई आठ मीटर की दौड़ ठीक है मैंने बोला भाई तरक्की कर रहे हो लेकिन उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई ये गाड़ी की वेलोसिटी हो गई टू मीटर पर सेकंड स्लो डाउन हो रही है ठीक है थीके? तो अब अगर यहां पे निकाला जाए तो कहानी कहां तक पहुंचेगी जरा सुनते तो हुए पहले स्टेप में तो लिख ही देता हूं ठीक है तो वी कितना हो चुका बेटा भाई अगर ए से बी जाओगे ठीक है ये बी देख उसको मैं बी था सी था और ये डी था ठीक है पक्का अब गौर करना ए से बी तक फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल जीरो समय कितना लग गया चल एक सेकेंड तो एक्सलेलेशन यहां पे इतने पाथ पे कितना हो चुका है दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेलेशन ठीक है अब आते हैं कहानी में बी से लेकर के सी तक ठीक है नाउ अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता तो जितना एक्सेरेशन इस दौरान आया था उतना ही बी से सी में आता उतना ही सी से डी में आता बट लेट्स चेक नाउ ठीक है एक्सेलेशन ऑब्वियसली वी माइनस यू बाई टी बी से आप सी तक जा रहे हो ना कहाँ जा रहे हो बेटा बी से आप सी तक जा रहे हो ठीक है तो फाइनल वेलोसिटी आठ माइनस इनिशियल वेलोसिटी दो अपॉन एक से लेकर के दो सेकेंड इसका मतलब समय कितना लग गया एक सेकेंड के बराबर ठीक है तो देयरफॉर एक्सेलेशन कितना हो जाएगा छह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई यार वैल्यू चेंज हो गई यार मत तो करो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई क्यों बिकॉज पहले आया था वो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब ये जो है ना एक्सलेन दिस इज बेसिकली चेंज दिस इज बेसिकली चेंज तीसरे केस की बात करते हैं ठीक है किसकी बात करेंगे सर तीसरे 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 केस की बात करते हैं मत तो करो इधर 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 तो सी से डी जा रहे हैं अब जब भाई आप सी से डी जाओगे ना तो क्या होने वाला है भाई सेम फंडा सेम फंडा क्या होता है चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम ठीक है भाई फाइनल वेलॉसिटी कम हो गई माइनस इनिशियल वेलॉसिटी जो थी ना वो ज्यादा थी ठीक है अपॉन टाइम एक बात को याद दिलाऊं मैंने कहा भी था कि अगर एक्सलेशन डील करता है विथ चेंज इन वेलोसिटी तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी एक्सलेरेशन है अगर वेलोसिटी घट जाएगा तो भी एक्सलेरेशन है उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव में आएगा और अगर वेलासिटी घट रही होगी तो एक्सलेशन निगेटिव में आएगा जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सी से लेकर के डी के पाथ में सबसे क्लियरली एविडेंट चीज़ क्या है कि वालासिटी में गिरावट हुई है वेलासिटी कम हो गई है अब अगर वेलासिटी

दिस इज चेंज अगेन ठीक है तो अगर एक्सलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ठीक है तो सिंस सिंस, द एक्सेलरेशन सिंस द एक्सलरेशन इज चेंजिंग यहां पे जो एक्सलरेशन है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है सिंस द एक्सलेरेशन इज चेंजिंग दिय फोर दिस मोशन देअ फोर दिस मोशन is non uniform therefore this motion is non uniformly accelerated motion because acceleration तो हो रहा है ये बात तो लाजमी है बिकॉज एक्सेलरेशन तो हो रहा है ये बात तो लाजमी है लेकिन उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है ना यार तो देफो दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फोर दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेरेटेड मोशन इट्स एज सिंपल एज दैट जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीन शॉट लेंगे उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं ठीक है, है? यह वाला फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है क्या बेटा जल्दी और अगर समझ में आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में एकदम आग बरसाते हुए चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका है चलो बेटा तो इसमें अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया अब आते हैं आइडियाज अबाउट एक्सेलरेशन क्या बेस से का आईडिया होगा अबाउट एक्सेलरेशन इसी की तो मैंने तुमसे बात भी करी थी ना कि व्हेनेवर वी प्रेस द एक्सेलेरेटर ऑफ अ व्हीकल देन द इमीडिएट चेंज दैट वी गेट टू सी इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल जैसे हमने प्रेस करा एक्सेलेरेटर को तो सबसे पहले जो बात हमें समझ में आती है जो फील होती है महसूस होती है वो ये है कि भैया गाड़ी की स्पीड चेंज हो गई है ठीक है गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो गई है अब अगर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो गई है तो कैसे हुआ एक्सेलेरेटर को प्रेस करने से तो अगर एक्से लेकिन कुछ समय भी तो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी टर्म एक्सेन शुड डील विथ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इट्स एज सिंपल एज दैट ये इसका आइडिया है अबाउट एक्सेरेशन ठीक है अब एक बार एक काम करिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले ठीक है थीके? जल्दी कीजिएगा चले फिर बहुत शानदार तो ये अपना बेसिक बेसिक आइडिया था वो आप समझ चुके थे वो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ना आपको वो बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डाल दिया गया था ठीक है तो चलिए

लिमिट लगा दूं कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल भाई समय का चेंज बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा है तो ये जो एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपऑन एवरेज चेंज इन टाइम लिखा हुआ है ना ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट्स एज सिंपल एज दैट कहीं ना कहीं इनको देख करके आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि एक्सलेन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलॉसिटी क्या बोला मैंने एक्सेलरेशन इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलॉसिटी वेलॉसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन क्या बोला वेलासिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलेशन इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है तो एक्सेरेशन इज चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम टेकन वैक्टर क्वान्टिटी होती है इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी निगेटिव इट कुड बी जीरो कब होती है पॉजिटिव ये सारे केसेस भी जरा यहाँ पे देख लो अगर मैं आपसे बात करता हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की ठीक है अगर मैं आपसे बात करता हूं अबाउट पॉजिटिव एक्सिलरेशन तो ये कैसे हो रहा होगा सुनते हुए चलना अगर आपसे बात हो रही है अबाउट पॉजिटिव एक्सिलेशन की तो यह बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ए इजीग्वस टू वी माइनस यू ओवर टी ठीक है द्यान देंगे, द्यान देंगे, द्यान देंगे, द्यान देंगे, पूरा फोकस कंट्रोल के साथ एजीक्वल टू क्या होता है बेटा वी माइनस यू ओवर टी अब अगर आप यहां पे एक सिंपल सी बात पर गौर करेंगे कि अगर वेलॉसिटी मान ली अगर इंक्रीज हो रही है ठीक है क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? कि वेलॉसिटी इंक्रीजेस फ वेलासिटी इंक्रीजेस इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल वेलासिटी बड़ी है और इनिशियल वेलासिटी छोटी है फाइनल वेलासिटी बड़ी है इनिशियल वेलासिटी छोटी है भाई तभी तो जब बड़े में ऐसे छोटे को माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा पॉजिटिव देअर फोर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ठीक है अब जरा इसके दूसरे वाले फंडे पर काम करते हुए चलते हैं ठीक है निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको ऑब्वियसली कहा जाता है रिटार्डेशन ठीक है मैं इसे क्लियर कर चुका हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है नेगेटिव को रिटार्डेशन भी कहा जाता है ठीक है अब जरा गौर करते हुए चलेंगे भाई सिंपल सी बात है नेगेटिव सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ऐसी गाड़ी जिसकी वेलोसिटी कम हो रही है बस 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 ठीक है तो नेगेटिव एक्सलेशन भाई जरा गौर करते हुए चलेंगे एक्सेलरेशन इज एब्सोल्यूटली वी माइनस यू ओवर टी ठीक है अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब यह है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीजेस और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी डिक्रीजेस इसका मतलब क्या हो रहा है कि फाइनल वेलोसिटी छोटी है इनिशियल वेलोसिटी ही ज़्यादा थी ठीक है तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन का कैसा आना लाजमी है बेटा निगेटिव आना लाजमी है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है तो जब पॉजिटिव एक्सलरेशन है तो वो तब है जब वेलोसिटी बढ़ रही है और जब निगेटिव एक्सलरेशन है तो वो तब है जब वेलोसिटी घट रही है इट्स एज सिंपल एज दैट और तीसरा बहुत ही अनमोल अनोखा केस जीरो एक्सेलरेशन भाई जीरो एक्सेरेशन तब होगा जब बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे ठीक है जीरो एक्सलरेशन कब आएगा बेटा जब बॉडी की वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट ठीक है अब जरा गौर करते हुए चले अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है और जो फाइनल है वही इनिशियल है बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक इनिशियल फाइनल बिकॉज द बॉडी की वेलासिटी इज नॉट इवन चेंजिंग ना ठीक है तो अगर जीरो एक्सेरेशन हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल ही फाइनल है फाइनल ही इनिशियल है तो न्यूविटर बिकम जीरो जीरो डिवाइड एज द आंसर तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी का बढ़ना नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी का घटना हर एक बात सुपर क्लियर कर दी गई आप लोग के लिए ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं ठीक है हो गया है थ्री टू वन रेडी गो डन चलो है ना ये वाला केस तो बढ़िया था ठीक है तो वेलोसिटी अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है उसके बाद यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वाला बात आप लोग समझ चुके थे ठीक है अब जरा यहां पे आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन को डिटेल में यहाँ पे चर्चा करी गई है जो कि हम पहले ही कर चुके थे तो बस अब ये स्लाइड पर लिखी हुई चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी तो आप स्क्रीन लेके आगे बढ़ेंगे ठीक है सॉरी पॉजिटिव तो पॉजिटिव एक्सलेरेशन में क्या होता है इफ द एक्सलेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ़ द बॉडी ठीक है मतलब जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है ना अगर उसी तरफ एक्सलेशन लग रहा है तो बॉडी की ठीक है. है, है अच्छा इसी बात को समझने के लिए ना मैं आपके सामने एक एक पेश करूंगा, बट जो कि रिलेटेड होगा निगेटिव एक्सलेरेशन से लेकिन आप ये वाला फंडा भी समझ जाएंगे ठीक है जैसे मान लीजिए अ कार ठीक है अगर आपने कार में ब्रेक्स को प्रेस करा ठीक है तो ब्रेक्स को प्रेस करने से क्या होता है कि कार के ऊपर ना एक फोर्स लग गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो एक आगे चलती हुई कार पे एक आगे चलती हुई कार पे अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग जाएगा तो कार की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी कार विल कम अंडर रिटार्डेशन ठीक है ये वाली बात क्लियर हो गई तो अगर एक्सेलरेशन बॉडी के मोशन के ऑपोजिट लग जाता है तो वो कहलाता है रिटार्डेशन सिमिलरली 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 अगर एक्सेलरेशन बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लग जाए फॉर एग्जाम्पल बॉडी इस तरफ मूव कर रही है अगर इसको धक्का यहीं से पड़ना शुरू हो जाए ठीक है अगर इसको पिक इन यहीं से मिलना शुरू हो जाए तो क्या होने वाला है बेटा ये जो गाड़ी है ना इसकी इस तरफ की वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर बॉडी को एक्सलरेशन मिल गया इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन तो बॉडी की वेलासिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है तो ये था पॉजिटिव एक्सलरेशन ये है तुम्हारे पास में नेगेटिव एक्सलरेशन सेम फंडा लिखा हुआ है जल्दी आप इसका स्क्रीन लेंगे कहानी अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन ठीक है क्लियर है क्लियर है क्लियर है आगे बढ़े चलो भैया बहुत शानदार एक तरफा चले ओके जीरो एक्सेलरेशन ये कब आएगा अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए इसी चीज को ना मैं आपको इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस भी बता सकता हूं आप सब लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो रखें बाद आप इस बात पर गौर करें कि एक्सेरेशन क्या था इट वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ विटी ठीक है अगर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो गई क्या बोला मैंने अगर इसी में अगर इसी में लिमिट डेल्टा टी

किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज किसी 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 भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज अगर जीरो के बराबर है इसका मतलब वो चीज़ स्वयं एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी स्वयं एक कांस्टेंट है और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देयरफॉर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग अगर वेलोसिटी स्वयं कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग

क्लियर करने जा रहा हूं ठीक है सबको पता है सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी मिलता है जब देयर इज अ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ठीक है या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो अगर मैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज चेंज इन टाइम ले लूँ ठीक है अब यहां पर अगर मैं लिमिट लगा दू डेल्टा टी टेंडिंग टवर्ड जीरो अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पे, तो आप सब समझते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना ये आ जाएगा जस्ट इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जिसका सीधा मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करो और मिल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है अब वही वाली बात है कि एक्सेलरेशन क्या होता है अगर आपका वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम और लिमिट लग गई है कि डेल्टा टी टेंडिंग ट्स जीरो ठीक है? डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो बहुत ही इंस्टेंटेनियस चेंज इन टाइम ठीक है तो ये फिर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी सीधा मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशियट करने से मिलती है वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफ्रेंशियन करने से मिलता है एक्सेलरेशन इट्स एज सिंपल एज दैट इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना फिर अपन कहानी में सुप्रीम तरह से आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? ये कैलकुलस का बेसिक फंडा क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का थ्री टू वन रेडी गो एंड डन सुप्रीम क्लियर चलो बहुत शानदार एक तरफा जबरदस्त ठीक है ये वाला फंडा अपन के दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है भाई एक्सेलरेशन है भाई यहां पे आपको जितनी चीजें पूछनी है मुझसे वो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक्टिवली पूछ लेना कैसा भी डाउट हो दो पल को मत सोचना कि ये डाउट क्या है उस लायक पूछने लायक अरे भाई डाउट है तो डाउट है ये डाउट किस लायक क्या होता है भाई डाउट है तो डाउट है पूछे बिना क्लियर क्लियर किए बिना आया कैसे बढ़ेंगे यार फिर मजा नहीं आता चलो यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्लेशन तो एन ऑब्जेक्ट इज सट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउस एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी कितने भी छोटे टाइम इंटरवल्स हों अगर बॉडी की वेलासिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है इन सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेरेटेड मोशन ठीक है अब दूसरा वेरिएबल एक्सलेशन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सलरेशन वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है

तो डेफिनेशन का स्क्रीन लो और मैं तो कहता हूं बिल्कुल लो पूरा ज्ञान मिल रहा है बेटा लेते हुए चलो <coughs> कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चले आगे बढ़ेंगे चलिए अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर भाई हमारे दिमाग में हमारा बेसिक फॉर्मुला जो है ना वो एकदम सुप्रीम क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ऊपर आने वाला है चेंज इन वेलोसिटी और नीचे आने वाला है चेंज इन द टाइम इंटरवल ठीक है अब इवेंचुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हुए चलना कि वे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन भाई इसके एक्सेलरेशन का ही ठिकाना नहीं है इसका एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म नहीं है लगातार वेडी कर रहा है लगातार वेडी कर रहा है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ठीक है ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन टू दाइम टेकन इसका मतलब बेसिक फंड है हल्का सा इलेबोरेटेड वर्जन ठीक है एक्सेरेशन इज चेंज इन टाइम एवरेज एक्सेरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम क्या बोला मैंने टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम या फिर टोटल टाइम टेकन इट्स एज सिंपल एज दैट दिस बिकम्स योर एवरेज एक्सेरेशन सर कैस की यूनिट चेंज हो जाएगी अरे नहीं रे एक्सेलरेशन में क्या लिखा हुआ है टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब न्यूमरेटर अभी अभी भी भी मीटर पर सेकंड सेकंड के बराबर है 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 और नीचे अभी भी क्या आ आ रही रही सॉल्व करने का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फॉर्मूले को नोट कर लेंगे उसके बाद फिर हम कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं यह वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका है थ्री टू वन रेडी गो डन एक गजब भाई गजब चले Okay. कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आ चुका है यहां से क्या आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आ चुका है कभी कभी सवाल ना इस स्लोप के टर्म्स में भी आ जाते हैं और ये स्लोप एक ऐसा टर्म है बेसिकली जो क्लास एलेवेंथ के मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर अब यहीं से बायो वाले जो है ना वो बिदक जाएंगे कि अरे और फिर से वही कोई कॉन्सेप्ट आ गया जो फिर से मैथ्स में है इसी वजह से तो खराब है हमारी फिजिक्स बट एक बात सुनते हुए चलना ठीक है अगर कोई ऐसा फंडा है जो कि फिजिक्स में हेल्प कर रहा है मैथ्स उनको ये सोचते हुए दिमाग में जगह बना उसको फिट करना पड़ेगा बिकॉज फिट कर लेंगे तो फिजिक्स फिर अपनी फिट हो जाएगी अगर फिट नहीं करेंगे तो फिर फिजिक्स अपनी जो है ना वो खराब हो जाएगी ठीक है अब तुम समझ रहे हो मेरी बात नहीं समझ रहे हो क्या समझ रहे हो ठीक है तो स्लोप क्या होता है भाई सिंपल सा फंडा है तेरे बता रहा हूं एक लाइन में एक लाइन में है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है भाई जब भी स्लोप निकालना है ना तो पहली बात तो दिमाग में ये रख लो कि स्लोप निकलता है हवा का नहीं स्लोप निकलता है किसी लाइन का क्या बोला मैंने स्लोप ऐसे वैसे किसी हवा का नहीं निकलने वाला स्लोप निकलता है किसी लाइन का तुमने बोला अच्छा ऐसी बात है तो अब इसको लाइन से हम क्या समझे तो बता रहा हूं बेटा कि अगर स्लोप किसी लाइन का निकालना है तो पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट करना सीख लो एम से करते हैं रिप्रेजेंट अब एम से क्यों करते हैं कोई इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है मेरे ख्याल से ठीक है एम से कर दिया है तो एम से कर दिया है माइट भी कोई रीजन होगा अगर ऐसा कुछ रीजन है ना तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है तो स्लोप को एम से करेंगे रिप्रेजेंट नाउ अब जो Important चीज़ है। करते हैं, वो तो तो नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन तो स्लोप को ना थीटा कहते है। अब कौन सा एंगल है, भाई, एंगल बनता है दो लाइंस के बीच में सो थीटा इज द एंगल भाई तुम स्लोप किसका लगा... निकाल रहे हो तुम स्लोप किसी लाइन का निकाल रहे हो तो फिर थोटा नहीं थीटा, तो फिर थीटा इज द एंगल मेड थीटा द एंगल मेड बिटवीन द लाइन अब आ रही इंपॉर्टेंट चीज बहुत फोकस करो एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझ गए ना समझ गए ना थीटा कौन से लाइंस के बीच का एंगल है जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हो ना उस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में फिर से बोलता हूं जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हो उस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल डेवलप हुआ है दैट एंगल इट सेल्फ इज इस द थीटा अब उसके बाद एक और बहुत ही प्यारी सुनहरी सी बात भाई दिस इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा चेंज ऑन द वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट दिस पर्टिकुलर थिंग इज थीटा के बराबर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब एक बात सुनते हो चल ना एक बहुत ही सिंपल सी बातें को बताता हूँ जैसे मान ले मान ले मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कभी बना दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है और नीचे मैं बनाता हूँ चलते ले टाइम ग्राफ ठीक है आया कुछ आया कुछ आया कुछ कि नहीं आया यहाँ पे भी आ रहा है टाइम यहां पर भी आ रहा है टाइम यहां पर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और यहां पे आ रही है वेलोसिटी, ठीक है तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की आप बात करोगे मान ली स्लोप अपन मारते हैं यहां पे, ठीक है ध्यान देते हुए चलना एक लाइन मारते हैं इसका स्लोप निकाल देंगे एक लाइन यहाँ मार दी इसका अपन स्लोप निकाल देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अब जरा समझते हुए चलना क्या होता है इसका स्लोप जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा ना तो स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स तो वाई पे क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स पे क्या आ रहा है टाइम भाई सब लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डिफ्रेंसीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसीेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी ठीक है अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो सब लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो वाई पे आ रहा है वेलोसिटी और एक्स पे आ रहा है टाइम तो डी वाई बाई डी टी और हम अब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंसीशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज गोइंग टू गिव यू नथिंग

स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी थ्री टू वन रेडी गो एंड डन सुप्रीम क्लियर बहुत बढ़िया एक तरफा ठीक है चलो भाई अब वही चीज यहां पे लिखी हुई कि अगर स्लोप निकालना है तो निकालना पड़ेगा टेन थीटा ठीक है अब जो जो थीटा का फंडा है ना भाई ये जो डेल्टा डेल्टाई अपॉन डेल्टा था ये डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है है चेंज ऑन द कोऑर्डिनेट ठीक तो भाई साहब पहले जहां पे आपने कहानी शुरू करी वहां पे वाई कोऑर्डिनेट वाज वाई वन उसके बाद जहां पे आप कहानी चेक कर रहे हैं वहां पे वाई कोऑर्डिनेट इज वाई टू तो ये इनिशियल था दिस इज द इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल था दिस इज द फाइनल पॉइंट ठीक है तो भाई यहां पे डेल्टा वाई का मतलब चेंज ऑन दर्डिनेट तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स तो एक्स टू माइनस एक्स वन इट्स एज दैट ये सुप्रीम सिंपल फंडा है जल्दी आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे इस पूरे ग्राफ के साथ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है पक्का थ्री टू वन रेडी गो डन चलो शानदार एक तरफा जबरदस्त चले ये वाला फंडा क्लियर हो गया स्लोप का अच्छा जी सेम चीज़ है सेम चीज़ है यहाँ पर ना वेलासिटी वाला जो ग्राफ है टाइम के साथ वो स्ट्रेट नहीं बन रहा है अगर ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी यहां पे पहली बात यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है इसमें ना दो फंड तुमको सिखाता हूं मैं एक होता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलासिटी और एक होता है यूनिफॉर्म वेलासिटी अभी क्लियर करता हूं अगर ये तुम समझ जाओगे ना तो उसके बाद सारी कहानी तुम ग्राफिकली तुम सब समझ जाओगे ठीक है पहला मैं दिखाता हूं यूनिफॉर्म वेलासिटी वाला ग्राफ पहला मैं दिखाता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ ठीक है अगर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एक बात समझते हुए चलना और बहुत ही इतमान से समझते हुए चलना यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट ठीक है तो इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट एब्सोल्युटली कांस्टेंट ठीक है तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा ना बेटा तो ग्राफ चलेगा कैसे सुनते हुए चलो ये लग गया टाइम और इधर आ रही है वेलॉसिटी वाई पर आ रही है x पे आ चुका है टाइम ठीक है अगर यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि वेलोसिटी ना हर टाइम पे सेम आ रही है कहने का मतलब यहां देख जब मैंने टी इक्वल टू जीरो पे चेक करा

टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब मैं दिखाता हूं यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ठीक है अब मैं दिखाता हूं यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ चलिए इधर 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 यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बाई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस चलें जाओ वेलोसिटी और यहां पे आ चुका है टाइम यहां पे आ गया है टाइम और इधर आ गया है वेलोसिटी अब जरा बेटा एक सिंपल सा फंडा जरा गौर करते हुए चलना ठीक है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो कुछ इस तरह से थी लेकिन इस बार ना वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ठीक है तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोस देखो जब टाइम जीरो था समझते हुए चलना जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो जैसे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गई जैसे टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी और बढ़ गई भाई ये बात समझ में आ रही है अगर सिर्फ वेलोसिटी बढ़ रही होती तो ग्राफ ऐसा आता अगर टाइम नहीं बढ़ रहा होता तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मान लिया गया बॉडी रेस्ट पर है तो क्या होगा पता है मान लिया गया बॉडी रेस्ट पर है तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जीरो के जीरो ही है टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो जीरो की जीरो ही है तो ग्राफ ऐसा बनता है फॉर अ बॉडी जो कि रेस्ट पर है लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती है ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है आप समझ गए इस पूरी बात को अगर टाइम के साथ साथ गाड़ी की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है इट्स एज सिंपल एज दैट तो एक तो ये ग्राफ बन चुका है फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी एंड एबसल्यूटली अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी के अंदर एक्सलेशन भी हो रहा होगा इट्स एज सिंपल एज दैट अब एक्सलेन कैसे निकलता है सिंपल सी बात है सुनते हुए चलना स्लोप दिस एंगल इज थीटा इसका स्लोप निकालूंगा ना तो क्या होगा पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा जो कि आ जाएगा एक्सेलरेशन और ये होगा टेन थीटा के बराबर और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी पॉजिटिव कितना होगा एंगल थर्टी डिग्री होगा सिक्सटी होगा फोर्टी फाइव जीरो सो नाइनटी जो भी एंगल होगा टेन थीटा इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव आंसर मतलब एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और अगर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग या मैंने लिख दिया है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस और ऑब्वियसली बढ़ रही है भाई देखते हुए चलना टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी तो ऊपर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है ये इसका सिंपल सा फंडा था पूरी चीजें पूरी चीजें सुप्रीम क्लियर करके रख दी है इसके अंदर तो इसका स्क्रीन लो फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो भाई तो बस फायर इमोजी चलते रहे और लाइक्स आप ठोकते रहे ठीक है चले एक ही बार करना बेटा लाइक दो बार करोगे ही तो डिसलाइक हो जाता है चलें आगे बढ़े चलो ओके फंडा पूरा क्लियर चलें। ओके दिस इज ऑल डन तो वो सब क्या था ये वाला ग्राफ था कांस्टेंट कांस्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी लेकिन यहां पे अगर आप देखें ना तो इसमें ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है जहां पे क्लियर है कि भाई वेलोसिटी ना जितने रेट से यहां बढ़ रही है उससे अलग रेट से यहां बढ़ रही है ठीक है तो यहां पे दरअसल वेलासिटी का चेंज इतना यूनिफॉर्म नहीं है समझ गए इस पूरी बात को ये इसका बेसिक फंड बाकी तो वही है स्लोप निकाल लेना ठीक है चलो अब आते हैं एक्सलेडेशन के ऊपर बेसिक फॉर्मूला फॉर द एवरेज एक्सलेन इज दिस total change in velocity upon total time taken it's as simple as that consider an object moving along a straight line with a variable acceleration let the velocity time graph of this motion be represented by curve as shown in the figure वी टेक टू पॉइंट ए वाला पॉइंट ले लिया और बी वाला पॉइंट ले लिया ठीक है ऑन दिस कर्व द पॉइंट ए करेस्पॉन्ड्स टू टाइम टी वन ये जो पॉइंट ए है ना इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो चुका है बेटा टी वन हो चुका है एंड वेलोसिटी उस समय तो कितनी है वेलोसिटी यहां पर है वी वन के बराबर है जो मैंने ये वाला पॉइंट लिया है ना ए वाला पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है टी वन के बराबर इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है टी वन के बराबर और वेलोसिटी कितनी है बेटा बी वन के बराबर इट्स एज सिंपल एज दैट कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है चले उसके बाद क्या है द पॉइंट बी करस्पॉन्ड्स टू जब बी वाले कर्व की बात करेंगे जब कर्व पे बी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो बी वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम है टी टू के बराबर और वेलोसिटी किसके बराबर है <coughs> वेलोसिटी हो चुकी है v2 के बराबर इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट ठीक है तो एब्सोल्युटली व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ये जो टाइम इंटरवल है ना t2 minus t1 डेल्टा t ये डेल्टा t अमाउंट ऑफ टाइम है व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी जो कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा v इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ठीक है तो डेल्टा v इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट किसी भी चीज में है, किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना होता है ना उसका एक ही एकदम साफ सुथरा और सुंदर सा तरीका होता है फाइनल वेलोसिटी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है समझ गए आप इस पूरी कहानी को तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर वो लिखा तो हुआ है वी टू माइनस वी वन इट एस सिंपल एज दैट ठीक है इसका आप स्क्रीन शॉट लेंगे और जल्दी करेंगे बेटा थ्री टू वन रेडी गो एंड डन ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका है चलो आगे बढ़ते हैं तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज टू बीज थीटा एप्सोल्यूटली तो यहां पर थीटा तो के बराबर ही होता है तो अपने पास वो ग्राफिकली बीसी हो चुका है जो कि आ जाएगा इवेंचुअली के बराबर जिस बात को मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस कर लिया है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो इट विल गिव यू वेलोसिटी और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं तो दिस विल गिव यू एक्सेलरेशन इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है तो अगर आप चाहें तो इस पूरी कहानी का भी स्क्रीन

अगर कभी लिखा है डी एस बाई डी टी ठीक है तो दिस इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी ठीक है और अगर कभी लिखा हुआ है डीवी बाई डी टी तो दिस इज गोइंग टू गिव यू लेकिन सर इसमें खास बात क्या है तो इसमें खास बात बेटा ये है कि कौन सा कलर है बेटा बहुत ही प्यारा कलर बहुत शानदार ये जो वेलोसिटी आपको नजर आ रहा है ना दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोला मैंने ये जो वेलोसिटी आपको यहां पे नजर आ रहा है दिस वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहां पे dv वी बाई डी करके जो एक्सलरेशन आपको मिलता है ना दिस एक्सलरेशन इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिस एक्सलरेशन इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट्स एज सिंपल एज ठीक है दिस ेशन इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन इट्स एज सिंपल एज दैट इसका मतलब ये है कि अगर आपको निकालना होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो सबसे पहले पकड़ो किसको वेलोसिटी की इक्वेशन को ठीक है नॉट द वैल्यू बट द इक्वेशन ठीक है इंस्टेंटेनियस एक्सेरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप वेलोसिटी की इक्वेशन को पकड़ो और उसको डिफ्रेंशिएट मार दो अब जो आपको मिला दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है अब इस पूरी कहानी का मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन शॉट ले लें लेकिन पहले जरा यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई हैं जरा उस पर नजरें घुमा लें द एक्सेलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इस कॉल्ड एट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन ठीक है बहुत ही खूबसूरत बात इस कॉल्ड एट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है उसके बाद When an object is moving with variable acceleration, अगर एक object है जो कि move कर रहा है with variable acceleration, then the object possesses different accelerations at different instants. ठीक है तो body के पास ना अलग अलग acceleration की value होगी अलग अलग time instant पर ठीक है तो यहाँ पर आप किसी भी time instant पर निकाल के रख सकते हैं instantaneous acceleration. Hence the instantaneous acceleration of an object at a given time is defined as the limiting value, is defined as the limiting value of ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन पूरे एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं लिमिटिंग पूरा, पूरा पूरा जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि खास से, जो प्यारी चीजें यहां पे लिखी हुई है ना इसका स्क्रीनशॉट लो ना लो लेकिन नोट जरूर कर लो इसके ठीक है कॉपी में इसका नोट अगर मिल तो वाह वाह क्या बात होगी हो गया पक्का चले आगे बढ़ें ओके गुड गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग आगे बढ़ा जाए अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो वही वाली बात है भाई साहब ये एवरेज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जब मैं यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूंगा इसका मतलब समय का अंतराल बहुत 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 छोटा हो गया तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं निकालूंगा ना तो ये अब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलासिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम बन जाएगा विच बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहली बात तो एक्सेरेशन को ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट वैक्टर क्वांटिटी है इसलिए वैक्टर का सिंबल लगा है आई हेअ बायस फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है

जैसे मैं बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना डिस्प्लेसमेंट आपको एस इक्वल टू समथिंग समथिंग के फॉर्म में नहीं दिखाई देगा वो दिखाई देगा एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग के फॉर्म में तो आपको पता होना चाहिए कि इज हियर बाय डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब जरा गौर करना बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसिएशन करता हूं तो मुझे मिल जाता है वेलोसिटी ठीक है इसका मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वेलोसिटी और इसी वेलोसिटी का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है एक्सलेरेशन हाकी ना हा कि ना ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है अब अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे बोल दूं कि अगर सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सलेन इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सलेरेशन ठीक है तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन चाहिए बिकॉज होता क्या है डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन गिव्स यू वेलोसिटी लेकिन इसी का अगर दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे सो दिस गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो मेरे ख्याल में यह वाली बात आपको समझ में आ रही होगी हां कि ना जल्दी बताओ हाँ की ना तो एक्सले इज एब्सोल्यूटली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वाई डी टी अब अगर आपको याद आ जाए तो डी वाई डी टी को जरा दो मिनट के लिए बाहर रखिएगा अब जरा वेलोसिटी पे फोकस करिएगा तो जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कैसे मिली थी देखो डी बाई डी टी को बाहर रखो वेलोसिटी कैसे मिली थी खुद डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके ठीक है तो उसको अपन लिख देंगे कि ये मिली थी खुद डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके जिसका अल्टीमेटली मतलब ये मतलब ये निकलता है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ठीक है इट्स ए सिंपल एज़ दैट मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा तो इसको एक बार जरा आप नोट डाउन कर लें ताकि जो स्लाइड पे चीजें लिखी हुई हैं दैट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू ठीक है चलो एक तरफा बहुत शानदार जबरदस्त बेटा ठीक है ये वाला फंडा भी सुपर क्लियर हो चुका है ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ देंजन टू दी वेट अ पोजिशन करिसम ठीक है जिस किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सिलेशन और गिवन है VT graph. VT graph का मतलब क्या होता है आपको गिवन है तो आपको पता है कि यार वेलॉसिटी कहां पर आ रहा होगा ऑन द वाई एक्सेस ठीक है ये वेलॉसिटी कहां पर आ रहा होगा ऑन द वाई एक्सेस और ये जो टाइम है ये कहां पे आ रहा होगा ऑन द एक्स एक्सेस ठीक है अब कोई अगर आपको इसका स्लोप निकालने के लिए बोल दे तो आप जानते हैं कि स्लोप क्या होता है इट इज डी वाई बाई डी एक्स ठीक है वाई पे क्या आ रही है वेलोसिटी तो डी वी बाई डी टी क्योंकि पे आ रहा है टाइम भाई यही तो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेरेशन कोई कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है यही तो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेरेशन भाई सीन पूरा डन ठीक है इसका स्क्रीन शॉट लो जो भी चीजें यहां पे लिखी हुई है बड़े प्यार से इसका स्क्रीन शॉट लो चलो ये वाला फंडा भी सुपर क्लियर हो चुका है आपको ठीक है आगे बढ़े चलिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विध यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सिलेशन से मूव कर रहा हो मैंने इस बात को पहले भी एकदम पिच क्लियर कर दिया था कि यूनिफॉर्म से आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि बॉडी से मूव कर रही है एकदम आराम आराम से क्रूज करते हुए मूव कर रही है ऐसा कुछ नहीं है अगर यूनिफॉर्म एक्सीन है इसका मतलब ये कि बॉडी की वेलॉसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है ठीक है या डिक्रीज हो रही है अब दैट डिपेंड्स यार अगर एक्सिलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी की वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बॉडी की वेलोसिटी इज कांस्टेंटली डिक्रीजिंग ठीक है कांस्टेंटली क्यों बोल रहा हूं बिकॉज़ यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग इसका मतलब यह हो गया कि वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर इस ए की वैल्यू माइनस में आती है ठीक है मतलब रिटार्डेशन अगर ए माइनस में है इसका मतलब ये इट मींस द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इट मींस द वेलोसिटी इज इट मींस द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है पक्का ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो गया तो बेटा एक काम करें इसका आप बेसिक स्क्रीनशॉट लेने जल्दी थ्री टू वन रेडी गो डन और जो स्लाइड पे लिखा हुआ है जरा उसको नोट डाउन करें चले फिर शानदार एक तरफा इसका आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो क्या लिखा हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन देन इंस्टेंटेनियस एक्सेरेशन यूनिफॉर्म एक्सेरेशन एवरेज एक्सेलरेशन ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है चलें मूविंग ऑन टू दैक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जरा उनप नजरें घुमा ली जाए तो एवरेज वेलासिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो एवरेज वेलासिटी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है इसका पता है सिंपल सा मैं तो न, इसका रीजन क्या है तो यार एवरेज वेलोसिटी निकालने के दौरान आपका जिससे पाला पड़ता है वो पड़ता है पता है क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट से ठीक है उसके बाद नीचे तो फिर आता है टोटल टाइम उसके बारे में तो हमें खैर पूरी जानकारी होती है देखो टोटल टाइम मैं इस बात को लेकर के डैम श्योर हूं कि हाँ भैया टोटल टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा उसके अलावा नेगेटिव टाइम तो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक डेडिकेटेड लेक्चर आप तक पहुँच चुका था प्ले में चेक कर लेना आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डेडिकेटेड लेक्चर ठीक है वहां पर मैंने इस बात को सुपर क्लियर कर दिया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है अब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है तो उसी वजह से एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ठीक है लेकिन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज अगेन विद द सेम रीजन अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो एवरेज स्पीड में आता है डिस्टेंस अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सामना होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस से अपॉन नीचे तो एब्सोल्युटली टोटल टाइम का ही रहना होता है ठीक है अब यह जो टोटल डिस्टेंस है ना डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता अगर डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता तो एवरेज स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती ठीक है इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन ध्यान दीजिएगा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं इसी लेक्चर में दे चुका था एक लाइन बनाई थी मैंने फिर टाइम लैब्स लिए थे कुछ कुछ ठीक है तो उसी के अनुसार अगर एक बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन देन इट्स एवरेज वेलॉसिटी इज गिवन बाई जस्ट इनिशियल प्लस फाइनल अंटू और कौन कौन से टर्म्स का यहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी टी बोले तो velocity, A बोले तो टाइम तो, और डिस्प्लेसमेंट ठीक तो, है ये वाला आप लोगों को सुपर क्लियर चले तो एक काम करें इसका भी स्क्रीन लेंगे जल्दी फुर्ती में इसका भी स्क्रीन लेंगे ठीक है फिर अपन आगे बढ़ते हैं हो गया थ्री टू वन रेडी गो डन ओके सर डन ये वाला फंड अभी क्लियर चलिए अब आ गया है अब तक जो भी हमने सीखा समझा सुना उस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल ठीक है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वीज इक्स टू दिस मच फाइंड करना है पहला चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टू सेकेंड्स एंड फोर सेकेंड्स ठीक है दो सेकेंड और चार सेकेंड के बीच में वॉट इज द चेंज इन द वेलोसिटी पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल वही दो से चार सेकेंड के बीच में वॉट इज द एवरेज एक्सेलरेशन वो आपको फाइंड आउट करना है उसके बाद

हुआ तो नहीं होगा लेकिन वीडियो को तो पॉज कर लिया होगा ना ठीक है अब वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करके अब जरा वापस आ जाओ तो वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है तीन टी का स्क्वायर प्लस छह सेंटीमीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी तो की इक्वेशन गिवन है तीन टी का स्क्वायर प्लस छ एंड दिस आल्सो सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टू सेकेंड एंड फोर सेकेंड ठीक है तो अपन को ना दो सेकेंड और चार सेकेंड पर निकालना है तो अपन एक काम करते हैं पहले अपन निकाल लेते हैं वेलॉसिटी एट फोर सेकेंड पहले अपन निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट फोर सेकेंड्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थ्री uh, इंटू फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास चार का स्क्वायर भाई फोर सेकेंड था ना तो थ्री इंटू चार का स्क्वायर प्लस छः कर लेना ठीक है तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा भाई इंटू चार का स्क्वायर बोले तो सोलह प्लस हो जाएगा, 6, ठीक है? तो पास कितना हो जाएगा? 48. प्लस सिक्स बोले तो फिफ्टी फोर तो वेलोसिटी आ जाएगा फिफ्टी फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है दिस इज द वेलोसिटी एट फोर सेकेंड्स अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे व्हाट इज वेलोसिटी एट टू सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट टू सेकेंड्स आपको निकालना पड़ेगा वॉट इज द एट दू सेकेंड्स अब जरा गौर करते हुए चलते हैं बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई क्या बताऊं बहुत सिंपल चीज है कुछ तो नहीं कर रहा हूं टी की जगह बस टू पुट करना है ठीक है तो थ्री इन टू टी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है छ लिखा हुआ है तो प्लस का छ लिख दे तो वेलॉसिटी इज इक्वल टू थ्री इन टू दो का स्क्वायर बोले तो चार प्लस तो ये कितना हो जाएगा बारह प्लस का छ मतलब अठारह तो ये अपने पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड नहीं है सेंटीमीटर पर सेकंड मैं एक काम करूं क्या सुनते हुए चलना ये था चार सेकंड वाली वेलोसिटी तो उसको मैंने वी से कराया रिप्रेजेंट तो जो दो सेकंड वाली वेलोसिटी है क्या मैं उसको वी डैश से कर दूं और इस बात का ध्यान रखना कभी कभी डैश लग जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफ्रेंसिएशन लेकिन मेरा यहां पे ऐसा कोई भी मतलब नहीं है ठीक है बस वी डैश को मैंने लिखा है जस्ट टू डिस्टिंग फ्रॉम दिस वेलॉसिटी कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया एक तरफा शानदार अब उसके बाद ये पूछा हुआ है द चेंज इन वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल वॉट इज द चेंज इन द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल ठीक है चले अब ये सिंपल चीज है भाई ये बहुत सिंपल चीज है तो अब यहां पे जरा आते हैं चेंज इन वेलॉसिटी अब यहाँ पे आते हैं बेटा चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको आ, जो वेलोसिटी एक्सपेक्टिंग मतलब, ठीक है तो फिफ्टी फोर माइनस जैसे अपन करेंगे ना अठारह तो पता है क्या हो जाएगा ये थर्टी फोर प्लस करने का टू मतलब छत्तीस तो अपने पास कितना छत्तीसगढ़

अब आते हैं दूसरे वाले पे जहां पे अच्छा एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मुला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ठीक है तो आ जाओ जरा इसके ऊपर दूसरे वाले पे एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक है क्या हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलासिटी क्या हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलासिटी अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल टाइम टेकन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल टाइम टेकन ठीक है अब जरा बातों पे ना ध्यान देते हुए चलेगा बहुत ही शानदार तरह से तो भाई व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं छत्तीस हमारा आंसर छत्तीस से अठारह कितना आंसर आया था अपने पास अठारह मेरे ख्याल से आंसर आया था ना अभी देख लो भैया अच्छा छत्तीस आ गया ओके 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 ठीक है ये था इसमें से इसको माइनस करा तो अपने पास कितना बच गया ये छत्तीस बच गया ठीक है भैया छत्तीस और समय कितना लगा सुनो तो छत्तीस सेंटीमीटर पर सेकेंड उसके बाद तुम्हारे पास जो तुमको टाइम लग गया ना दो से चार सेकेंड मतलब क्या दो सेकेंड का समय लग गया जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो अठारह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ठीक है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट, भाई ये दूसरे वाले पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट लो और जबरदस्त चीज थी ठीक है थेके? 18 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है एवरेज एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ तो आप लोग को नहीं हो रही है ठीक है चलो अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं सवाल के इंस्टेंटेनियस एक्सीन एट फोर सेकेंड ठीक है क्या पूछ लिया है इंस्टेंटेनियस एक्सीरेशन और समय कितना देखे रखा है चार सेकेंड तीन टी का स्क्वायर प्लस छीन टी का स्क्वायर प्लस छीन टी का स्क्वायर प्लस छ तो वी है अपने पास तीन टी का स्क्वायर प्लस छ अब आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये कैसे निकलता है बेटा वेलोसिटी को डिफरेंशियट करके ठीक है तो एक काम करो डिफरेंशियन ऑफ वेलोसिटी चालू कर दो तो तीन का स्क्वायर प्लस पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं बेटा और एक और चीज मैं आपको जरा याद दिला दूं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर आपके डिमांड के ऊपर ठीक है एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बना के रख दिया था इस ही प्ले में चेक कर लेना बेसिक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन विच आर बेसिकली रिलेटेड टू फिजिक्स ठीक है ऐसा डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया था जिसका डायरेक्ट यूज आपको फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पड़ जाता है तो वो वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ प्ले में चेक कर लीजिएगा आपका भला हो जाता है ठीक है एक काम करो थ्री को रखो बाहर और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ का स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ छे कर दो अरे भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो तो जीरो के बराबर हो जाता है तो अपने पास कहानी में क्या बच जाएगा सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ जीरो के बराबर तो दे फोर देव फोर देव फोर देव फोर जो इंस्टेंटेनियस एक्सिलेशन बचेगा वो बचेगा छी के बराबर ठीक है अब जैसे मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा नाउ एट इज इक्वस टू फोर वी हैव जैसे हम टी के जगह पे चार पुट कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर हो जाएगा जो कि आ जाएगा ट्वेंटी फोर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट्स एज सिंपल एज दैट तो ये रहा अपना इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन अगर आपको फर्स्ट से चाहिए तो आप यहां से इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारी बात है अदरवाइज स्क्रीन लेना यहाँ से स्टार्ट करो ठीक है ये पहले का स्क्रीन हो गया उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास इसका पूरा कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो गया पक्का 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 चलो ओके okay, डन तो ये अपने पास जो क्वेश्चन था ये वाला भी खत्म हो गया दिस लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन एक्सेलेशन और मेरे ख्याल में आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा पसंद से ज्यादा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा ठीक है अगर अब तक आपका एक्सेलेशन का फंडा वीक था तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि यार एक्सलरेशन तो पूरा समझ में आ गया साइन कन्वेंशन वैल्यू कब वेलोसिटी बढ़ेगी कब वेलोसिटी घटेगी हर एक चीज मैंने सुपर क्लियर कर दी है ग्राफ के साथ और भी बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर डिलीवर कर दी इसलिए कभी कभी होता है बेटा जब लेक्चर हल्का सा लंबा होता है ना इसका मतलब समझ जाओ उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है जो कि डिलीवर किया गया समझ गया आप इस बात को चलिए ठीक है अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा ना कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प है अगर आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो गए इस वीडियो को देख करके तो प्लीज अपना प्यार बरसाएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लें ठीक है और उनको सबको समझ में आ जाए कि भाई प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें आ चुकी हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुके हैं और क्या धमाकेदार चीज़ें और भी आने वाली हैं प्ले के अंदर ठीक है तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज ठीक है पूरा सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस और आप लोग जानते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी के बियॉन्ड जा करके स्टैंडर्ड रिफ्रेशर्स के जो कॉन्टेंट होते हैं ना वो भी डिलीवर किए जा रहे हैं आपको और ये सारी चीजें जानने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली हैं ये सब चीजें जानने के लिए ना आपको किसी भी चैप्टर का जो चैप्टर ओवरव्यू होता है वो वीडियो देख लेना चाहिए वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं ठीक है उसके बाद सीबीएसई बोर्ड दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वेदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रिंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं थैंक यू सो मच